पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश करते हैं और ये सरकार किसानों में कोई भी जू नहीं रोक रहता है। और बार बार हमने ये देखा है, ये बिहार सरकार ही है जिसके अंतर्गत एक शेल्टर होम में एक सिस्टमेटिक रेप किया गया माइनर गर्ल्स का, और उसमें संलिप्त इन्वॉल्वमेंट वहाँ के उनके मंत्री स्टेट मिनिस्टर का इन्वॉल्वमेंट आता है, लेकिन इतना उनके पास मुवक है, हिम्मत है कि वो पब्लिक प्रोग्राम भी करते हैं। और साथ साथ हमने ये भी देखा कि कैसे एक राज्य मंत्री का बिहार सरकार का मंत्री दोषी है कि जिन्होंने पब्लिकली लोगों को मारने का कोशिश किया, उनको फूलमाला पहनाकर स्वागत किया जाता है जब वो ट्रेन में आते हैं। तो ये जो बिहार सरकार और भाजपा सरकार जो केंद्र में बैठी है उसका पूरा संरक्षण इन लोगों को मिला हुआ है, उसके खिलाफ विरोध करना बहुत जरूरी है, सरकारी तंत्र के खिलाफ विरोध करना जरूरी है, बोलने का जरूरत है कि चाहे हम अपने विश्वविद्यालयों में रह रहे हो, चाहे अपने सड़क पर हम घूम रहे हो, चाहे मोहल्ले में रह रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर का अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो स्टेट का रहता है। आज प्रॉक्सी स्टेट अपरेटस के नाम पर जो अलग अलग अपने हाथ में कानून लेना शुरू कर दिए हैं, ये मारना शुरू कर दिए हैं, इन लोगों को पब्लिकली मारना शुरू कर दिया है कि अगर आप अपना जाति से बाहर अपने धर्म के बाहर शादी भी करते हैं तो आपको पब्लिकली मौत के घाट उतार दिया जाएगा, अगर आप एक खाना दूसरा खाना अगर आप खाते हैं तो आपको पब्लिकली मौत के घाट उतार दिया जाएगा, और इसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है वो भी आपको फैसिलिटेट करेगी। हमने देखा कि कैसे राजस्थान में जो शंभू रेगर था जिसे उन्होंने वीडियो सर्कुलेट किया गया, जिंदा जलाया गया एक मजदूर को, और उसके बाद एक कलेक्टिव फंड एक इलेक्शन शुरू हुआ जहां अलग अलग जिलों से अलग अलग क्षेत्रों से फंड कलेक्ट किया गया कि ताकि उसका लीगल केस लड़ा जा सके। ये भारत में कभी नहीं हुआ, लोकतंत्र में कभी नहीं हो सकता, लेकिन आज इतना भी हो गया है कि जंतर मंतर पे 20 सड़क पे कुछ लोग आकर बाबा साहब अम्बेडकर को मुर्दाबाद भी बोलते हैं, आरक्षण का विरोध भी करते हैं और संविधान की ओरिजिनल प्रति भी जलाते हैं। और इतना हिम्मत इतना कुवत इसलिए आ रहा है क्योंकि जो स्टेट में लोग बैठ रहे हैं उनका भी कहीं ना कहीं मनुस्मृति का कानून मानने का एक एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा है, वो बिल्कुल अलग नहीं है उन लोगों से जो संविधान जला रहे हैं। और बार बार हम ये बोल रहे हैं कि हमारे विश्वविद्यालयों में जो एबीवीपी जैसा संगठन है वो बाहर के उन मॉब लिंचर से बिल्कुल अलग नहीं, उनका जो विचारधारा है और जो उनका मोडस ऑपरेंडी या पॉलिटिकल एजेंडा है वो सेम है। वो पहले भी दिखाए हैं कि कैसे कैंपस में गुंडागर्दी कर वो अपना पॉलिटिक्स करते हैं, चाहे वो डीयू की बात हो, चाहे वो जेएनयू की बात हो, चाहे हमारे देश में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज की बात हो, गुंडागर्दी करना और उसके आधार पे अपना पॉलिटिक्स करना एबीवीपी और ये राइट विंग संगठनों का एक मोडस ऑपरेंडी हो रखा है। और यही रिफ्लेक्ट हुआ मोतिहारी के विश्वविद्यालय में, एक इंसान जो जेएनयू से पास आउट है वो दो चीजें कर रहा था, एक तो अपने विश्वविद्यालय में एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन सिस्टम में पढ़ा रहा था प्रोग्रेसिवली, जो वाइस चांसलर एक पूरा डिक्टेटरशिप के तौर पर उस विश्वविद्यालय को चला रहा था और उसके पॉलिसीज के खिलाफ वो कई दिनों से बोल रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक जो उनका पॉलिटिकल एजेंडा है उसको पूरा करने के लिए ये घिनौना काम किया गया है। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे उनका देहांत हुआ तो उसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग पक्ष रखा, डेमोक्रेसी में रखते ही हैं, लेकिन जब उन्होंने बोला कि अटल बिहारी वाजपेयी वॉज अ फासिस्ट एंड इट इज द एंड ऑफ एन और जो नेहरू बताया जा रहा है अटल बिहारी वाजपेयी को वो बिल्कुल गलत है, सिर्फ एक मत था, लेकिन उस मत को कैसे यूज किया उन लोगों ने जो पहले से ही संजय निशाना बना रखे थे कि वो वहां जाते हैं और उनको मौत की घाट उतारने का कोशिश करते हैं, और साथ साथ ये भी बोलते हैं कि तू कन्हैया कुमार बनेगा या तुम बोलो कि भाजपा सरकार सही कर रही है, मोदी सरकार सही कर रही है, तो इसके पीछे जिसका हाथ है और जो संरक्षण दे रखा है वो भी हमारे सामने है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि कुछ दिनों पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक सभा थी, उसमें हमारे एक साथी
से बोलने गए थे अपना खौफ से आजादी के प्रोग्राम में, ये बताने गए थे हमारे देश में कैसे खौफ का माहौल बढ़ता जा रहा है और अपनी बात रखने का एक मिनिमम जो फ्रीडम है वो भी आज खतरे में है। उनके ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है और तो और जानलेवा हमला किया जाता है, लेकिन दो इंसान सोशल नेटवर्क पे ये वीडियो भी सर्कुलेट करते हैं कि हम हैं जिन्होंने मारा है और अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुए हैं। संविधान को जिन्होंने जलाया अभी तक वो अभी खुले हम घूम रहे हैं इतना बड़ा अपराध करते हुए। जिन्होंने बाबा साहब को मुर्दाबाद बोला अभी तक वो आजाद है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं उनके जैसे लोग ही आज सरकार में बैठे हुए हैं, वो कानून बना रहे हैं, वो कानून बनाएंगे कि SC ST एट्रोसिटी एक्ट को डाइल्यूट कर दिया जाए और जब उसके खिलाफ विरोध किया जाएगा 2 अप्रैल को जो भारत बंद हुआ तो बहुत से दलित लोगों को अभी तक जेल में रखा गया, उनको अभी तक छोड़ा नहीं गया। तो इतना हिम्मत और इतना कुवत उन लोगों को इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो सरकार जो केंद्र में बैठा हुआ है या राज्य सरकार में बैठा हुआ है वो उन्हीं का आदमी है, वो उन्हीं को ही बचाएगा। तो आपसे बस आखिर में यही बात बोलना चाहेंगे कि बार बार ये जरूरत है कि हम सड़कों पे उतरकर अपने डेमोक्रेटिक राइट के लिए, अपने जीने के अधिकार के लिए आज प्रोटेस्ट करने को मजबूर है और आने वाले वक्त में भी करेंगे। और जो साथी संजय के साथ हुआ वो सिर्फ एक आइसोलेटेड एक्ट नहीं है, वो सब एक्ट से जुड़ा हुआ है जो राजस्थान में हुआ, जो मॉब लिंचिंग बिहार में भी हुई, जो मॉब लिंचिंग झारखंड में हो रही है जहाँ रेप किया जाता है जम्मू कश्मीर में और उसके डिफेंस में रैली भी निकाला जाता है। ये सभी इवेंट्स एक लिंक में बंधे हुए हैं जहाँ सरकार उन लोगों को संरक्षण दे रही है कि आप रेप कीजिए लेकिन धर्म के नाम पे हम बचा लेंगे, आप मॉब लिंचिंग कीजिए लेकिन काय के नाम पे हम बचा लेंगे, आप अपने प्रोफेसर को मारिए लेकिन हम एंटी नेशनल उसे घोषित कर देंगे और बचा लेंगे। तो ये पूरा एजेंडा जो है भाजपा सरकार का और भाजपा के जो सहयोगी है जो अभी बिहार सरकार के मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं वो भी उनमें साफ साफ उनके हाथ भी इस घिनौने काम में, इस जुर्म में सने हुए हैं। ये हमें बोलना पड़ेगा और ये भी बोलने पड़ेगा कि संविधान को आपने जलाया है लेकिन संविधान की मूलभूत भावना तब तक आप नहीं जला सकते जब तक हमारे देश में हम जैसे लोकतंत्र में मानने वाले, संविधान में मानने वाले, बाबा साहब के सपनों में मानने वाले लोग जिंदा हैं और वो तब तक सड़कों पे विरोध करते रहेंगे जब तक बिहार भवन या अलग अलग संस्कारी जो सरकारी तंत्र है उसके खिलाफ विरोध करते रहेंगे। बस इसी बात में अपनी बात खत्म करूँगा। शुक्रिया, गुलाब सिंह।